And welcome to everyone. Today I'd like to give a special thanks to all my subscribers. Within a year you have given me 550 subscriptions. Thanking you for your love, support and concern, and it will increase more and more in future, I hope, in this way, and I will try to do my best. तो आज हम लोग पलामू जिला के बारे में अध्ययन करेंगे. पलामू जिला पलामू प्रमंडल में पड़ता है और 21 प्रखंडों को मिलाकर पलामू जिला का गठन किया गया है. चलिए देखते हैं कौन कौन से 21 प्रखंड है पलामू जिला के. हम इसे मानचित्र में देखते हैं. पहला हैदरनगर है, मुहम्मदगंज है, हुसैनाबाद है, हरिहरगंज है, पिपरा है, उंटारी रोड है जिसे नगर उंटारी भी कहते हैं, पांडू है, छतरपुर है, नवा बाजार है, विश्रामपुर है, नवडीहा है, पड़वा है, पाटन है, तरहसी है, मनातू है, मेदिनी नगर है, लेसलीगंज है, चैनपुर है और सतबरवा है. इस तरह एक और पाकी है. इस तरह हम देखते हैं 21 प्रखंडों को मिलाकर पलामू जिला का गठन किया गया है. यह पलामू प्रमंडल में स्थित है. इस जिले का गठन 1892 ईस्वी में किया गया है. ब्रिटिश काल में किया गया है 1892 ईस्वी में, जब यह जिला बिहार राज्य का अंग हुआ करता था. इसका मुख्यालय डाल्टनगंज है. इसे मेदिनी नगर भी कहा जाता है और यह मेदिनी नगर राजा मेदिनी के नाम से पड़ा है. क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह जिला 4393 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इसका क्षेत्रफल है 4393 वर्ग किलोमीटर. 1911 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 9,29,869 है. 19,39,862 है 2011 के सेंसस के अनुसार. इसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 26.17% है और जनसंख्या का घनत्व 442 है. लिंगानुपात 228 है और शिशु लिंगानुपात 945 है. इस जिला की साक्षरता दर 63.63 है 63.63% है. संपूर्ण पलामू जिला को 3 अनुमंडलों में बांटा गया है. पूरे पलामू जिला को 3 अनुमंडलों में बांटा गया है. पहला है मेदिनी नगर अनुमंडल, दूसरा है हुसैनाबाद अनुमंडल और तीसरा है छतरपुर अनुमंडल. आप इसे मानचित्र में देख सकते हैं. मेदिनी नगर अनुमंडल, हुसैनाबाद अनुमंडल और छतरपुर अनुमंडल. इस जिला को 5 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है. यह जिला 5 विधानसभा क्षेत्रों में बंटा है. पहला विधानसभा क्षेत्र है डाल्टनगंज, जिसे मेदिनी नगर अब कहते हैं, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र. दूसरा है हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र. तीसरा है छतरपुर विधानसभा क्षेत्र और चौथा है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र और पाँचवा है पांकी विधानसभा क्षेत्र. इस तरह देखते हैं डाल्टनगंज को, पूरे डाल्टन पलामू जिला को 5 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है. इस जिले से 2 नेशनल हाईवे गुजरती है. नेशनल हाईवे संख्या 75 और नेशनल हाईवे 98 गुजरती है. इस जिले से 2 नेशनल हाईवे गुजरती है, 75 और 98. यहाँ की प्रमुख नदियाँ उत्तरी कोयल, अमानत और औरंगा है और सोन नदी भी है. उत्तरी कोयल, अमानत, औरंगा और सोन नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं. यहाँ के प्रमुख खनिज संपदा हैं कोयला, फायर क्ले, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, लोहा, सीसा, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, डोलेमाइट, मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट, लोहा यहाँ के प्रमुख खनिज संपदा हैं. और प्रमुख उद्योग हैं जपला सीमेंट संयंत्र, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, ये 2 प्रमुख यहाँ के उद्योग हैं. यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं पलामू अभयारण्य, मेदिनी राय का किला, शाहपुर का किला, रोहिल्ला का किला, तातापानी जल गर्म जलकुंड यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं. यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं नीलंबर पीतंबर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान और अभी पलामू मेडिकल कॉलेज भी बन गया है. और यहाँ के प्रमुख विद्यालयों की बात करें तो GLA हाई स्कूल है, ब्राह्मण विद्यालय है, BCC बालिका मिशन स्कूल आबादगंज है, MKDAV पब्लिक स्कूल, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, ब्राइट लैंड स्कूल, एलिट पब्लिक स्कूल, संजेवियर्स अकेडमी, ऑक्सफोर्ड स्कूल, पनहेरी बांध,
विमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल, संत मरियम स्कूल, ये सभी यहाँ के प्रमुख विद्यालय हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गढ़वा जिला के बारे में देखेंगे।